नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और आपके साथ मैं हूं विशाल। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम तो ऊना से आपके साथ लाइव जुड़े हैं। आज आसमान में एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। आज कड़ी धूप नहीं है बल्कि आज आसमान में बादल छाए हैं, और अगर इन बादलों की बात की जाए तो कुछ लोगों के लिए ये राहत हैं और कुछ लोगों के लिए ये इस वक्त आफत के रूप में भी देखे जा रहे हैं। बात करें यहाँ पर तो फसल की कटाई का मौसम यहाँ पर चल रहा है, फसल की कटाई जोरों पर चल रही है और पिछले करीब 2 महीने से लगातार तेज धूप के चलते लोगों को गर्मी से भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन आज आसमान का रंग बदला है, आज मिजाज मौसम का बदला है और लंबे वक्त के बाद जो करवट ये मौसम ने बदली है इससे निश्चित रूप से कई सारे लोग राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन अभी भी एक वर्ग है जिसे शायद मौसम की यह बदली हुई करवट रास नहीं आ रही होगी। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं किसान भाइयों की, क्योंकि इस वक्त फसलों की कटाई का सीजन चल रहा है और फसल अपनी अपनी समेट कर सभी लोग अपने घर तक पहुंचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। और इसी बीच सुबह से तेज अंधड़ और बादलों की छाँव में जो यहाँ पर ठंडी हवाएं चली हैं वो इस वर्ग के लिए जरूर कहीं ना कहीं चिंताओं का सबब बन रही हैं। तो आपके यहाँ पर क्या कुछ हालात मौसम के हैं, किस तरह से आपके यहाँ पर मौसम आज है, क्या कुछ चल रहा है, ये जरूर कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा कीजिएगा। लगातार 2 महीने से गर्मी की चपेट में चल रहे ऊना को आज इन बादलों ने काफी हद तक राहत दिलाई है और आज ये व्यस्ततम चौक आपको बिल्कुल व्यस्त भी दिखाई देगा। क्योंकि बात करें तो यहाँ पर लंबे टाइम से बारिश नहीं होने के चलते काफी सारी दिक्कतें लोगों को पेश आ रही थी, लेकिन अब उन दर पेश आती दिक्कतों से आज लोगों को राहत मिली है। लोग सड़कों पर पैदल भी चल रहे हैं और आज काफी खुशगवार मौसम के बीच ऊना बेहद खूबसूरत दिखाई भी दे रहा है। हमारे साथ सुकेश ठाकुर जी जुड़े हैं, नितेश शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत। तो फसल की कटाई का मौसम चल रहा है और फसलों को लेकर इस वक्त निश्चित रूप से किसान भाई जो हैं वो जरूर चिंतित होंगे और इसी चिंता के बीच जरूर वो सोच रहे होंगे कि कुछ दिन तक यदि इसी तरह से मौसम टिक जाए, कुछ दिन तक यदि इसी तरह से बारिश टल जाए तो कहीं ना कहीं फसलों को समेटने में काफी सहयोग मिलेगा, काफी मदद मिलेगी। करीब एक हफ्ते से फसल की कटाई का यहाँ पर क्रम शुरू हुआ है। बैसाखी का पर्व रहता है, आपको पता है बैसाखी का पर्व फसल की कटाई के लिए हालांकि यहाँ पर जाना जाता है। पुराने वक्त में फसल की कटाई से फ्री होने के बाद तमाम लोग वैसाखी का पर्व एंजॉय करते थे, लेकिन बदले हुए परिवेश में कुछ फसलें लेट हुई हैं बारिशों की वजह से पिछले साल, और बारिशें नहीं होने का क्रम इस बार भी जारी रहा और हालत ये रही कि बारिशें नहीं होने के चलते फसलों पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। हवा के झोंके यहाँ पर आज अभी भी यहाँ पर चल रहे हैं हल्के हल्के, हालांकि इससे पहले ज़रूर यहाँ पर एक अंधड़ चला था और अंधड़ के चलते भी लोगों को काफ़ी चिंताएं हुई थी। लेकिन इसी बीच हरोली में बहुत तेज़ बारिश हुई है, नितेश जी कह रहे हैं। अच्छा जी, आज हो ही जाएगी, सुकेश जी कह रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि जी हो जाएगी, लेकिन मन जो है वो डबल माइंड है इस वक्त अधिकतर लोगों का। कुछ लोग चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि कुछ दिन तक टल जाए, क्योंकि कृषि कारोबार को अभी तक बहुत नुकसान हो चुका है और यही इस वक्त सोच रहेगी एक पॉजिटिव वे से कि अगर किसान भाई अपना काम पूरी तरह से निपटा लें और उसके बाद बारिश अगर आ भी जाए तो शायद कुछ दुख नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में इस बार गर्मी ने लोगों को काफ़ी परेशान किया है। अगर बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी गर्मी काफ़ी दिक्कतें क्रिएट करती रही है और ऊना तो खैर हिमाचल का सबसे गर्म ज़िला, गर्म मिजाज ज़िला, और गर्मी के इस बार जो रंग लोगों ने देखे हैं वो निश्चित रूप से अप्रैल के महीने में 42 डिग्री तक पारे का पहुंच जाना ये अपने आप में बड़ी बात, और पिछले कल तक करीब 15 साल का रिकॉर्ड यहां पर टूटा है कि अप्रैल माह की 20 तारीख तक बारिश की एक भी बूंद नहीं बरसी।
और अब यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि बारिश होगी, मेघ बरसेंगे और जो धरती आसमान से बरसने वाली बूंदों के लिए तरस रही है वो प्यास जरूर बुझेगी। आज आसमान में अलग रंग दिख रहा है, आज आसमान में बादल हैं, आज हर तरफ आपको बादल दिखाई देंगे ऊपर, और आज सूर्य देव जो हैं वो छुट्टी पर गए हैं और निश्चित रूप से उनकी ये छुट्टी कम से कम ऊना के लोगों के लिए काफ़ी राहत भरी है। किसी के लिए राहत तो किसी के लिए आफत आज का ये मौसम। तो हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, आपके यहाँ पर क्या कुछ मौसम चल रहा है आप भी ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिएगा, क्या कुछ हालात आज आपके यहाँ पर हैं। जगह चाहे कोई भी हो लेकिन बादलों की छाँव में उस जगह की खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं, और आज ऊना भी कुछ उसी रंग में आपको दिखाई देगा। खूबसूरती के इस आलम में छटा ही बदल जाती है, तस्वीर ही बदल जाती है पूरी की पूरी। तो बीते दिनों की अगर बात करें तो सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों की तादाद बेहद कम थी, लेकिन अब लोग आराम से आज घूम फिर रहे हैं क्योंकि मौसम ठंडा है और ठंडी हवाओं के झोंके कुछ राहत भी प्रदान कर रहे हैं यहाँ पर। पंडित जयदेव तिवारी जी मासा जुड़े हैं, आपका भी स्वागत। तो ऊना की सड़कों पर आज सरपट जिंदगी दौड़ते हुए जो कहीं ना कहीं बारिश के चलते, कहीं ना कहीं धूप के चलते, गर्मी के चलते जो प्रभाव यहाँ पर देखा जा रहा था आज वो बेहद कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज ना तो छाते हैं और ना ही फेस पर कोई कवर है क्योंकि आज बादलों ने मौसम को खुशगवार बना दिया है और खूबसूरती को चार चांद लगा दिए हैं। बारिश का मौसम निश्चित रूप से अपने आप में एक अहम भूमिका रखता है और रेन लवर्स जानते हैं इस मौसम की क्या महत्ता है, क्या इम्पोर्टेंस इस मौसम की है। नरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार। अमनदीप जी आपका भी स्वागत। तो फसलों का काम लगभग इस वक्त जो है वो चरम पर पहुंच चुका है कटाई का, और उम्मीद यही रहेगी कि करीब एक हफ्ते के भीतर किसान भाई अपना 6 महीने की इस मेहनत को समेट लेंगे, अपने घर एक अदद छत के नीचे पहुंचा देंगे। हालांकि इसी बीच बारिश का खतरा भी बना हुआ है और यहां पर आप देख सकते हैं कि मौसम काफ़ी ठंडा आज ऊना में, क्योंकि आज सूर्य देव अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। सुबह दर्शन देने के बाद जल्दी ही बादलों ने उन्हें घेरा डाल लिया था। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंसेस जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, क्या आपके वहां पर हालात हैं। व्हाट एवर द वेदर एट योर नेटिव इज लाइफ टाइम टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ विशाल शांडिल्य।